Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे कि कैसे डिपेंडेंट थे हमारे मेसोपोटामिया, जिसको हम लोग सुमेर भी बोलते हैं, अब वो कैसे, या इजिप्शियन कैसे जुड़े हुए थे, या हमारी सिटीज कैसे जुड़ी हुई थी. पहले हमने डिस्कस किया हम लोगों का रिलेशन, हमारे सिटीज, हमारे गांव कैसे ट्रेड करते थे, कैसे उनसे कच्चा माल लेते थे, कैसे पकाया हुआ माल बेचते थे. तो इस तरह से अब हम देखेंगे आउटसाइडर से, मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से, इनसे कैसे ये लोग जुड़े थे. तो चलते हैं हड़प्पन. थोड़ा सा लगता है कि मिस्टिक है, थोड़ा सा डायनामिक है, थोड़ा सा इसका एक रुतबा अलग लगता है जब हड़प्पन सिटीज के बारे में पढ़ते हैं. तो वही कंटिन्यू करते हैं हम लोग. ड्यूरिंग मच्योर, दैट इज अर्बन, आप लोगों को मालूम है ना अर्ली वाला कौन सा था, बताओ बच्चों अगर कोई है तो. पीरियड द स्फीयर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज एक्सपांडेड एंड देयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट. बोलिए बच्चों, मन के सच्चो बोलिए. सो आप लोगों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि देखिए, पहले जब गांव था, तो गांव जब हम लोग अर्ली वाले में गांव थे, एक्चुअली अर्ली वाले में विलेज थे, तो विलेज वालों के पास ज्यादा प्रोडक्ट होते नहीं. हम लोग देखते हैं सब्सिस्टेंस का था ना, खाने बनाने तक तो बेचेंगे क्या, लोग ज्यादा नहीं बेच पाते थे. लेकिन जब से जैसे ही लोग बड़े होते हैं, तो स्फीयर ऑफ एक्सपोर्ट मतलब क्या, जो एरिया है यहां वहां भेजने का. अब मुंबई देखिए पूरे वर्ल्ड में, न्यूयॉर्क तक भी जुड़ी हुई है इस तरह से, तो पूरा वर्ल्ड लिंक होता है. तो इसी तरह जब हम लोग अर्बन बने ना, हम लोग लिंक होना शुरू हो गए. इंटरनल एंड डिस्टेंट ट्रेड रिसीव्ड मोमेंटम. तो इंटरनल मतलब हमारे हड़प्पन सिटीज, हड़प्पन गांव के बीच में तो बड़ा ही, क्योंकि रॉ मटेरियल की डिमांड ज्यादा होगी, ताकि क्योंकि हड़प्पन सिटीज में प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए. क्यों प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत करना. एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि मेसोपोटामिया वाले और इजिप्ट वाले बहुत मांग रहे थे इसलिए. हेलो हेलो पूजा, स्वागत है आपका. सो ट्रेड विद डिस्टेंस प्लेसेस लाइक मेसोपोटामिया बिकेम रेगुलर, मतलब हर दिन होता था. अभी कैसे हमारे इंडिया का ट्रेड देखिए, जो सऊदी अरेबिया, जो हमारे मिडिल ईस्ट है, उनके साथ हमेशा रेगुलर होता ही रहता है कुछ. वो लोग, हम लोग उनके यहाँ से ऑयल लेते हैं, वो हमारा बासमती राइस, दाल, ऐसी सारी चीजें वो लोग भी लेते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे. वैसे ही मेसोपोटामिया के साथ था. द ट्रेड विद मेसोपोटामिया हैड बिगन ड्यूरिंग अर्ली हड़प्पन टाइप से, बोलते हैं कि मच्योर में नहीं, बहुत पहले से अर्ली वालों से भी हमारा था. जो विलेज वाले हड़प्पा थे, उनसे भी ये लोग प्रोडक्ट मांगते थे. द अकादियंस या अकादियन एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 2334 BCE. अब ये क्या है, बाय एम्परर सारगोन वन. ये बहुत, जब भी आप अकादियन जब खोलोगे, आपको सारगोन वन का ही फोटो मिलता है. आप लोगों को बता देता हूँ क्या है अकादियन. मेसोपोटामिया गाइस ना एक जोन था, एक सेकेंड इमेज आ जाए. मेसोपोटामिया जो था वो क्या था, एक जोन था जहां पे आज का करंट डे इराक और ये सब सारी चीजें आती हैं. ये देखिए, ये जो मेसोपोटामिया आप देख रहे हो, ये मेसोपोटामिया, यहां पे आप देखोगे सऊदी अरब, तो करंट में नॉर्थ में जो था वो अकादियंस थे, और जो साउथ में थे गाइस वो सुमेर थे. इसलिए आप लोग कभी सुमेरियन एम्पायर भी सुनोगे. और अकादियंस जो नॉर्थ में थे, उनका राजा कौन था, सारगोन वन. ये हमारा प्यारा भारत. अब यहीं पे माकरन कोस्ट का नाम ध्यान रखिए, ये लोग माकरन वहां पे किसको बोलते थे, ये सारी चीज भी. माकरन हम चलेंगे, चलिए जब जैसे आएगा, तो ये पूरा जो इलाका है बहरेन और ये सब जो इलाका है, ये पूरा इसे माकरन कोस्ट बोलते थे लोग, माकरन कोस्ट. और वाले जो येल्लो हड़प्पा है, इसे ये लोग बोलते थे मेल्हुआ. इस तरह से सारी चीजें, तो आगे नाम आएंगे, दिमाग में इमेज रहती तो क्लियर रहती है. जागृति हीरे, स्वागत है जागृति जी आपका. नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लाइव ढूंढने में. जी हाँ, ये इसमें तीन ही जा सकते हैं, आप चैनल पे आ जाएंगे जैसे ही ना, वहां पे आपको दिख जाएगा कि लाइव हो रहा है, सिर्फ रिफ्रेश करने की जरूरत है. और मैं डेमली थोड़ा आज 10-15 मिनट लेट चल रहा हूं, अदरवाइज टाइम पे ही रहते हैं हम लोग. कल से तो स्टार्ट किया, और टाइम टेबल का एक रोल होता है कि वो दे देने से क्या, थोड़ा मेरी भी हेल्प हो जाती है कि आप लोग को अब पता चल जाए, इसलिए मैंने टाइम टेबल दिया था. चलिए गाइस,
सो ड्यूरिंग हिज रेन द हरप्पा ट्रेड विथ मेसोपोटामिया फ्लरिश. तो उसके काल में जब अकदियन से अकदियन सबसे पहले आए थे, बाद में सुमेर इवॉल्व हुआ, इस तरह से पूरे जोन जो मेसोपोटामिया का एम्पायर खड़ा हुआ. एंड हरप्पन सिटीज रीच देयर पीक, मतलब एकदम खतरनाक पसंद करता था, जैसे कि पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी थी, लेकिन उस टाइम पे सारगन और हरप्पा की जोड़ी थी. वन ऑफ दी सारगन राजा था वैसे, वन ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेटिव. और सारगन के बारे में पता कैसे चला, देखिए उनकी भी लैंग्वेज बहुत टफ है, लेकिन वो लोग पैरेलली दो लैंग्वेज में लिखते थे ताकि ये जो इसका ट्रांसलेशन इस दूसरी भाषा में करके रखे थे. हमारा जो हरप्पा वाला, हमारे हमको ना एक राजा का नाम पता है, ना एक किसी बाबा का नाम, कुछ भी नहीं पता है. हमारा दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट ही नहीं करते थे, हम लोग कंजर्वेटिव थे कि क्यों बताए भैया किसी और लैंग्वेज को क्यों प्रमोट करें, ऐसा थॉट था हमारा. तो हम लोग एक ही लैंग्वेज में थे. अब वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा क्या है. वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ऑफ एम्परर सारगन डिस्क्राइब्स द ट्रेड विथ डिस्टेंट प्लेसेस. देखिए तो ये सारगन क्या थे, ये रिकॉर्ड मेंटेन करता. अच्छा मेसोपोट जो भी हमको जो हरप्पा कह रहे हैं मालूम भी पड़ा ना, हरप्पन सिविलाइजेशन का, ये इनके रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चला मेसोपोटामिया वाले से, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड हर चीज का रखते थे. इवन अगर चावल भी 10-15 किलो कहीं से खरीदा था, वो लोग उसका भी लिखते थे. तो उससे फायदा हमको होगा, हम वहां से इंफॉर्मेशन लेके आए. अच्छा ये मेसोपोटामिया वाला कौन हमको लेके आया, ब्रिटिश हेल्प किए जानने में सब, बाद में हमारे इंडियंस भी आ गए. सो इट सीम्स दैट, तो उस बुक में क्या बोला था कि ना मेसोपोटामिया वाले ना बाहर से लाते थे माल और उनके साथ ट्रेड करते थे. That important trade by land routes passing through Iran and Central Asia had diminished in the mature Harappan period, and sea trade had become the preferred mode. मतलब early Harappa में आप लोग अगर पाकिस्तान वाकिस्तान से जाते तो ये लैंड रूट के थ्रू जाते थे. किसके थ्रू जाते थे, लैंड रूट के थ्रू जाते थे. बताया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास मैप है, मैप मैं बार बार खोल दूंगा आप लोग के लिए. देखिए जो पहले वाले थे वो लैंड रूट के थ्रू जाते थे. इसे इरेज कर दूं एक बार, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर देना. याद है ना मेसोपोटामिया हरप्पा कहां पे, तो इस हिसाब से देखिए यहां से जब अर्ली जब गांव थे तो यहां से जाते थे हम लोग, लेकिन जैसे मच्छू जब सिटीज हो गए तो हमारे गुजरात से और यहां कराची के पास से सी से जाने लगा. सी से गाइस बहुत सस्ता रहता, सबसे चीप जो बनता है वो सी वाला रहता है, महंगा गिरता है लैंड वाला. तो सामान सस्ता हो गया, हम लोग सिटी भी हो चुके थे, अब जानते हो ना कि इकोनॉमी अब हमारी बूस्ट हो जाएगी इस तरह से, और माल फटफट पहुंचने लगा, क्वालिटी भी अच्छी रहने. तो इस तरह से ये सब रीजंस थे कि क्यों हमारा ट्रेड फ्लरिश हुआ मेसोपोटामिया के साथ. ठीक है ये सारी चीजें याद रखिए, इस तरह से लिंक करके पढ़ेंगे. तो दिलमन बहुत अच्छा नाम है, दिलमन माकरन या माकन एंड मेलुआ. तो माकरन या मेलुआ मैंने बता दिया है. आर मेंशन दैट थ्री इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द सी रूट. तो मैंने बता दिया कि जो हमारे पाकिस्तान ईरान वाला अफगानिस्तान वाला कोस्ट है वो सब सारी चीजें क्या थी, माकरन कोस्ट. और यहाँ पे बहरेन वेरेन का भी नाम याद रखिए. दिलमन इज आइडेंटिफाइड एज बहरेन, माकरन विद कोस्टल रीजन ओमान ईरान बलूचिस्तान एंड मेलुआ विद द रीजन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो मेलुआ कहाँ था, हरप्पन में, माकरन कहां था, ओमान ईरान बलूचिस्तान, और दिलमन कहां था, बहरेन वाला. तो ये पूरे जोन्स कनेक्टेड थे. अच्छा नाम मेलुआ कहां से है, देखिए कॉपर वाज अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट इन मेलुआ, दैट इज हरप्पन में. आपको मालूम है ना साइड में थर्ड चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पे हम लोग देखे थे कायथा कल्चर, वो सब कल्चर, कॉपर कल्चर हमारा पैरेलल चल रहा था, और हरप्पन में भी कल्चर, अरे कॉपर बहुत अच्छा था. The name Melua is supposed to have come its origin from the red color of copper. तो बोलते हैं मेलुआ कहाँ से आया होगा, तो बोलते हैं कि मेलुआ का मतलब होता है रेड कलर का, तो ये कॉपर के कलर के वैसे लोग बोले होंगे. कितना अच्छा बात है, सोचिए हमसे वैसे ही सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा. ओके सर, क्या लैंड रूट को मराठी में खुशकी मार्ग कहते हैं ना, खुशकी मार्ग म्हणतात माहित आहे मला एवढं, त्याला काय म्हणू शकत आपण, जमिनी रस्ता असं काय त्याला म्हणू शकतात, चालेल खुशकी म्हणतात ना, खुशकीच आपण ठेवू. चले एक सेकंड, कमेंट चला गया, एक सेकंड.
कॉपर रेड कलर से नाम मिलो मिला। द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम मेलुआ, मतलब हरप्पा से जाता था, टू दी मेसोपोटामिया इंक्लूडेड, क्या क्या भेजते थे इंपॉर्टेंट है, देखिए मार्क कर लीजिए इसी को, कॉपर, आइवोरी ऑब्जेक्ट, आइवोरी मतलब जैसे कि हाथी के दांतों से बना हुआ सारा चीज, वो सब सारी चीज, लैपिस लाजुली, लास्ट लेक्चर में ब्लू कलर का दिखाया था, कार्निलियन बीड्स, कार्निलियन मतलब ये रेड कलर का बीड, मतलब रेड कलर का पत्थर था ये, ध्यान रखिए, टेक्सटाइल्स, टिम्बर मतलब लकड़ी के प्रोडक्ट, एज वेल एज मंकी एंड पिकॉक भी जाते थे, मालूम है कि नहीं, पिकॉक जिस गांव जिस शहर में होता है उसे रिच माना जाता है, देखिए पिकॉक उस टाइम में हमारे हड़प्पा में बहुत सारे थे। द बॉडीज ममीज ऑफ द डेड रॉयल्टीज इन इजिप्ट वेयर रैप्ड इन ब्लू कलर्ड क्लोथ, अब ये इजिप्ट का, मेसोपोटामिया खत्म, इजिप्ट का बात कर रहे हैं, इंडिगो नेसेसरी फॉर डाइंग दिस क्लोथ वॉज एक्सपोर्टेड बाय हड़प्पन ट्रेडर्स, तो ब्लू कलर का क्लॉथ उन लोग को चाहिए था, तो ब्लू कलर आता कौन से डाई से है, इंडिगो करके डाई होता है उससे ब्लू कलर आ जाता है, तो ये इंडिगो कहाँ मिलता था, हड़प्पा में, तो हड़प्पा क्या बेचता था उनको, ये इंडिगो डाई, किसको बेचता था, इजिप्ट वालों को। द हड़प्पन ट्रेडर्स आर लाइकली टू हैव रिसीव्ड वूल, अब ये लेते क्या थे वहां से, देखिए वूल गोल्ड, हमारे पास गोल्ड पहले से नहीं था, सिल्वर है लेकिन अब बहुत कम है कंपेयर टू और के कम है, सिल्वर इन एक्सचेंज ऑफ दीज गुड्स कमोडिटीज, क्योंकि हमको गहने पसंद थे, इवन मेन भी गहने पहनते थे और इयररिंग्स पहनते थे। द हड़प्पन सिटीज हैड रिजर्व्ड सेक्शन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिजर्व मतलब एक पूरा जोन, जैसे चाइना एक पूरा जोन रहता है जहां पे सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन होता है, जैसे एसईजेड होता है इंडस्ट्रियल जोन जिसको बोलते हैं आजकल, वैसे वहां पे उस टाइम भी था, तो आज के जमाने से लिंक करिए आप पाओगे बहुत सारी चीजें हड़प्पा में भी थी। वे ऑल्सो एक्सक्लूसिवली इंडस्ट्रियल सेटलमेंट, तो इंडस्ट्रियल जोन के अराउंड इंडस्ट्रियल सेटलमेंट मतलब वर्कर्स रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे उस टाइम के, मशीन मेकर्स रहते थे, सारे सेटलमेंट जैसे आज होते हैं कि इंडस्ट्री के अराउंड जो वर्कर्स रहते हैं वही रहते हैं, उन्हीं का कारखाना रहता है, तो वैसे सारे पूरी जोन डेवलप थी। छानीदारो इन दिस सिंध रीजन वॉज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन, ये इंडस्ट्रियल टाउन था ध्यान रखिए, तो मतलब जैसे आज थाने हैं इंडस्ट्रियल टाउन है, वैसे छानूदारो हमारे सिंध में था, दैट इज पाकिस्तान के सिंध में। इट इज अपेरेंट दैट द आउटपोस्ट इन द गुजरात वेयर स्पेशली एस्टैब्लिश्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेड, तो देखिए ये इंडस्ट्रियल जोन है जहां पे पूरा सामान बनता था, तो इसको बेचते कहां से थे, कहां से इसको ट्रेड करते दूसरी कंट्री में, तो ये जो गुजरात है ये बना देता हूं, ये जो हमारा गुजरात कुछ इस तरह के आप लोग देखे हो ना, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ये देखिए ये गुजरात है, हमारा गुजरात जोन है, तो बोलते थे आउटपोस्ट से यहां से माल लेके आते थे गुजरात के कोस्ट पर, यहां से समुद्र के रास्ते से भेजते थे मेसोपोटामिया में या इजिप्ट में। हो सर, जी जी जी, सोना और चांदी, गुड। इट वॉज इजियर टू रीच द सोर्सेज ऑफ कॉपर चैंगशेल्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम द आउटपोस्ट लाइक कुंतसी नागेश्वर एंड बागसारा, तो मतलब यहां से ये सब चीजें मालूम, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी, महंगी चीजें थी, तो इसको ओशियन से भेज पाना अच्छा ना, अगर रास्ते पे जाएंगे तो उबड़ खाबड़ टूटने के इनके चांसेस ज्यादा थे, तो इसलिए इन्हें अच्छा था कि कहां से भेजें, समुद्र के रास्ते से। और आउटपोस्ट मतलब देखिए इंडस्ट्रियल जोन है, तो इंडस्ट्रियल जोन के बाहर ये आउटपोस्ट कहलाते हैं जहां से माल भेजते हैं। इन दी कच्छ सौराष्ट्र, तो ये ऊपर वाले को कच्छ बोलते हैं गाइस, ये वाले पार्ट को ना कच्छ बोलते हैं, ये दिस इज कच्छ पार्ट जहां पे पूरा सॉल्ट पैन है, और ये जो पार्ट है ये सौराष्ट्र होता है नीचे गुजरात में। इट वॉज ऑल्सो इजियर टू शिप आउट द फिनिश गुड्स फ्रॉम द सी आउटपोस्ट लोकेटेड नियर द कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र, तो यहां से देखिए भेज भी पाते थे हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट। गाइस ब्रिटिश वालों ने, ब्रिटेन जब हम पे राज किया था क्या करता था, वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाता था और फिनिश प्रोडक्ट हमको देता था, फिनिश प्रोडक्ट हमको देता था, लेकिन हड़प्पन में क्या होता था, हम फिनिश्ड प्रोडक्ट देते थे, रॉ मटेरियल हमारे पास था और हम लोग सोना चांदी लेते थे, सिर्फ इतने अच्छे थे हम लोग। कैरिंग आउट ऑल ऑपरेशंस लाइक प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स एंड इट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम वन एंड द सेम रीजंस सर्टेनली प्रूव्स टू बी बेनिफिशियल फॉर ट्रेड, तो देखिए रॉ मटेरियल का हमारे पास अवेलेबल होना, फिनिश प्रोडक्ट का जैसे मैंने बताया हमारे पास बनना, प्लस एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में करना, तो देश में पैसा अच्छा खासा आता था, इसका मतलब क्या, जो हड़प्पा का ट्रेड था वो बेनिफिशियल था, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होता था, जैसे कि देश से ज्यादा पैसा हम लोग अगर सामान खरीदते ना गाइस तो ये देश का नुकसान है क्योंकि पैसा बाहर जाता है, लेकिन ये लोग क्या करते थे, सामान बहुत बाहर बेचते थे और पैसा जमा करके लाते थे।
यज्ञेश डांगरे, स्वागत है यज्ञेश डांगरे जी, आपका स्वागत है सर। गुजरात को सौराष्ट्र क्यों कहते हैं? पता नहीं इसका, सौराष्ट्र या तो ये बहुत सारे जो अमालगमेशन था, बहुत सारे अमालगमेशन मिलके बना था, इसलिए उसको सौराष्ट्र बोलते होंगे, नेशन। और शूरवीरों का राष्ट्र था ना वहां पे भी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि राजपूत एंड ऑल दोज वहां पे भी थे, तो शूरवीरों का जमीन भी था वो, इसलिए उसे शौर राष्ट्र बोलते होंगे। हरप्पन पीपल बिल्ड द ट्रेडिंग आउटपोस्ट विद इन दिस व्यू इन माइंड। तो ये आउटपोस्ट क्यों बनाया था उन्होंने? ताकि ना ट्रेड करने में ना फायदा बहुत हो, सी सस्ता गिरता है बहुत समय करने में, अब माल एकदम बढ़िया कंडीशन में फट से बहुत कम टाइम में यहाँ से पहुंच जाएगा, तो और ऊपर से जॉब मिलेगा वहां पे, और ऊपर से अपना एरिया बड़ा होते जाते, तो ये सब सोच के उन्होंने किया था। These were small in extent, but were important industrial centers. तो बोलते हैं ये लोग बहुत बड़े थे, धोलावीरा और लोथल ऐसे ही थे, लेकिन इनका importance बहुत था। जैसे कि धोलावीरा was the city built to oversee the trading transaction in Saurashtra. लोथल was an important seaport. तो ये सब दो जगह थी जहां पे से ये लोग सारी चीजों का ध्यान रखते थे। जैसे कि आज कैसे मुंबई है, कोच्ची हो चुका है हमारा, विशाखापट्टनम हो चुका है, चेन्नई हो चुका है, कोलकाता हो चुका है, हुगली हो चुका है, ये सब भी पोर्ट है हमारे, अब कांडला हो गया गुजरात में, ये सब पोर्ट है जहां से सब सामान हम लोग बेचते। पहले सब ऐसे बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, हम लोग प्रीफर करते थे कम जगह लेकिन अच्छा सामान बेच पाए, फटफट बेच पाए, तो उनमें से धोलावीरा लोथल बहुत अच्छे साबित होते थे। ठीक है गाइस, चलिए लेक्चर को एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे गाइस और सारी चीजों के साथ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर को दे एंड की तरफ हम लोग लेके जाएंगे। इसके बाद होगा कि सिटीज, मतलब इसके बाद हमारा पॉइंट क्या रहेगा गाइस कि सिटीज गायब क्यों हुई, जो हड़प्पा की सिटी थी वो गायब क्यों हुई। देखिए डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में नेक्स्ट, और इसी के साथ चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। पहले महाराष्ट्र भी सौराष्ट्र में था, फिर 1 मई 1960 को अलग हुआ। जी हाँ, ये महाराष्ट्र डे आप डिस्कस कर रहे हैं, रियल में सौराष्ट्र महाराष्ट्र की जो ये बराबर बोले, लेकिन ये क्लियर नहीं था बाउंड्री, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, ठीक है ना। जो बाउंड्री आप, ये तो कंफ्यूजन था, जो ब्रिटिश टाइम पे जो था इसे बॉम्बे बोला जाता था, अब बॉम्बे कितना बड़ा एरिया सबको पता नहीं था ना, समझ रहे हो। तो इसके बाद हुआ कि बताया था आपको इलेक्शन की बॉम्बे गुजरात और महाराष्ट्र को लेके इशू था, गुजरात पहले भी था, गुजरात पहले भी था, ये ध्यान रखने की जरूरत है। विशाल आनंद सर, नोट्स कैसे बनाएंगे इस पर, बनाएं इस पर वीडियो बनाएंगे क्या, वीडियो इस पर नोट्स कैसे बनाएंगे? अच्छा, आप लोग को जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उसे बनाया, उसे बनाना चाहिए, जो पॉइंट्स मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ उसे आपको ध्यान रखना होता है, जो इंपॉर्टेंट हो वैसे चीजों को लिखना होता है। शॉर्ट नोट्स अलग चीज होते हैं, शॉर्ट नोट्स पहले आप पढ़ते हो चैप्टर को बहुत अच्छा, तो जब रिवाइज करना होता है तब शॉर्ट नोट्स काम में आते हैं, शॉर्ट नोट्स आंसर राइटिंग में काम नहीं आते, आंसर राइटिंग में भरपूर लिखना ही पड़ता है, ठीक है, उसकी अलग मतलब बता दूंगा कभी, जैसे अमूमन इसी सब लेक्चर में बता दूंगा। चलिए चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, बाय। तो भूल ही गया मैं, जैसे कि हैव अ नाइस डे, है सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा।